था रॉक चर्च, और इसके बाद मैं जाऊंगा जो स्टेशन है हेलसिंकी का, जहाँ से कल मैं हेलसिंकी पहुंचा था। रॉक चर्च में मुझे एक बहुत सरप्राइजिंग और अच्छी चीज़ देखने में मिली है। यहाँ पे जब एंट्री करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोर ऑफ ग्रीटिंग्स टू टेक विथ यू। यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, चाइनीज, डैनिश, डचेस, इंग्लिश, जापानीज, इटालियन और स्पेन, बहुत सारे दुनिया भर के लैंग्वेजेस हैं। और उसमें एक लैंग्वेज है इंडिया का जो कि है तमिल। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इंडिया का एक लैंग्वेज यहाँ पे है। मुझे एक्सपेक्टेड था हिंदी होगी, लेकिन हिंदी नहीं है, लेकिन तमिल हिंदी से ज़्यादा पुराना लैंग्वेज है, ज़्यादा पुरानी लिपि है, जो कि इक्वल टू संस्कृत है। तो हिंदी नहीं तो एटलीस्ट तमिल है यहाँ पे। थैंक्स फिनलैंड, थैंक्स रॉक चर्च तमिल को रिकॉग्नाइज करने के लिए। Speak in Hindi, I don't know you will understand or not. So, hop and hop bus mein, ye last bus hai. Aur time almost, time ho raha hai, 5 baj raha hai. Aur aise baithe baithe, jo humare hop and hop bus ke guide aur driver hai, tumse baat ho rahi thi. To tab, baaton mein pata chala ki ye kisi angle se India se related hai. इनके फादर इंडियन हैं, वो भी पंजाबी, और जब मैंने इनका नाम पूछा इन्होंने बोला सैट, तो उसके बाद इन्होंने बोला कि एक्चुअल नाम मेरा है सतिंदर। सो सतिंदर सैट, दिस इज सैट। तो फिर ये फिनलैंड फिनिश है, लेकिन इनके फादर इंडियन है। सो अच्छा डिस्कशन था, ये बोल रहे जितना समय ज़्यादा काम करो उतना ज़्यादा पैसा मिलता है, लेकिन उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। तो कमाई तो अच्छी है यहाँ पे, एक घंटे को 20 यूरोस, सो अगर 10 घंटे काम करें तो 200 यूरोस, 10 घंटे एक दिन में, और तो 30 दिन में 20 यूरोस, दिन का मतलब 600 यूरोस महीने का इनकम है, वो भी मिनिमम। हेलसिंकी घूमना ख़त्म हो चुका है, मतलब हेलसिंकी टूरिस्ट स्पॉट्स घूमना ख़त्म हो चुका है। अभी शाम के 7 बज रहे हैं, धूप दिख ही रहा होगा शाम, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ शाम के 7, लेकिन धूप के हिसाब से शाम नहीं है, दोपहर ही है। काम कुछ है नहीं, हॉस्टल जाना है नहीं अभी, तो ऐसी गलियों में घूम रहे हैं। कौन सी गलियां हैं ये नहीं पता, बस हेलसिंकी की गलियां हैं, बस इधर उधर भूले भटके गलियों से गलियां, जिस तरफ अच्छी इमारतें दिख रही हैं उस तरफ चल रहे हैं। कुछ पता नहीं है क्या करना है, लेकिन हॉस्टल जाके बोर नहीं होना, उससे बेटर ऐसे ही चलते रहें तो अच्छा लगता है। और वैसे हेलसिंकी का आज दूसरा दिन है और कल आखिरी दिन होगा, कल सुबह हॉस्टल से चेकआउट करना है, सामान पैक के फिर दूसरे फ्लाइट में जाना है, सामान कलेक्ट करके शाम को ट्रेन पकड़ना है सेंट पीटर्सबर्ग के लिए फिर से रशिया। बहुत अच्छा लगा हेलसिंकी, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, मुझे लगा था रशिया और हेलसिंकी फिनलैंड सेम होगा, लेकिन दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट है। प्लान करना चाहिए। वेल बस अभी के लिए इतना ही, अब मैं और एक दो घंटे ऐसी स्ट्रीट्स पे भटकूंगा,
और उसके बाद ट्रैम बस कुछ भी पकड़ के अपने हॉस्टल। अब मेरे पास गूगल मैप्स नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे सिम नहीं लिया है, किसी से पूछ के मैनेज कर लूँगा, दिक्कत नहीं है। चलिए भटकता हूँ।